आज मैं आपके साथ शेयर करनी है सलवार प्लस प्लाजो। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ है जो वो तैयार वो 35 इंच है और इसकी मोहरी वो 7 इंच और इसकी जो लेंथ है जो बेल्ट है वो 20 इंच है। जितनी कि इसकी सलवार में थी उतनी ही मैंने इसमें रखी है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ऐसे खोलकर इसे 4 फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छी तरह कन्नी से कन्नी मिलाकर इसके दोनों किनारों में आपस में मिला के इसे 4 फोल्ड कर लेना है। इस सलवार का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और आप इसे आसानी से जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया है। कपड़े को अच्छी तरह बिछाने के बाद हम इसके ऊपर जो है निशान लगाएंगे जो भी इसके ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है, ताकि कट कर देंगे निशान लगाकर ताकि ये इक्वल हो सके। मैंने निशान लगा के और तो काट देता है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, कपड़ा है जो सीधा कर लिया कपड़ा सीधा। अब सबसे पहले हम इसकी जो है लेंथ का मार्क रखेंगे जितने हमें चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 35 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरा ही नाप लूँगी। बेल्ट पानी है 1 इंच। आप इसमें मुझे इसमें डिज़ाइनिंग कर रही है, इसमें मुझे जॉइंट लेस लगानी है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पूरा ही नाप ले रही हूँ। अगर आप नहीं इसमें सिंपल बना रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें आधा इंच ऐड कर सकते हैं या 1 इंच ऐड कर सकते हैं जो हमें बेल्ट जड़ने में लगेगा, क्योंकि 1 इंच की हमारे इसमें बेल्ट भी ऐड हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसका पूरा ही नाप रखा है इसकी लेंथ का। जॉइंट लेस नहीं ऐड कर रहे हो तो ये ऊपर तो लेंथ है कि अगर जॉइंट में जाएगा तो 1 इंच की हमारी बेल्ट भी इसमें जुड़ जाएगी, तो ये पूरी ही तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आपको जितना इसके लेंथ का नाप है उतना ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क लगा लिया है। तो लेंथ 35 इंच ला के चलो। उसके बाद मैं यहाँ मोरी का नाप ले रही हूँ, मेरा 1.5 इंच था, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो इतने असं 1.5 इंच के निशान लगा के यहाँ पर मैंने 1.5 इंच में मार्क है जो वो लगा लिया है। इससे आगे अब हम 2 इंच में निशान लगाएंगे जो है बुकरम को फोल्ड करने में जाएगा। 2 इंच फैब्रिक जैसे हम सलवार के पोंचे बनाते हैं उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यही ले लिया। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ जो कि हमारी आसन की गुलाई पाने में आएगा। तो हम आसन कैसे रखेंगे, इस जिसका मैं प्लाजो बना रही हूँ उनके सूट की हिप 18 है, तो हम 18 का फोल्ड करते हैं तो वो 36 आता है। अब 36 को हम 4 फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड करके ये 9 आएगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच में निशान लगाएंगे। सबसे पहले आप ऐसे ही जितनी आपके सूट की हिप है उसे देख लें और उसको 4 फोल्ड कर लें। तो इसमें मैंने 4 इंच और ऐड कर लिया है 9 में। 4 इंच और ऐड करने के बाद हम ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मोरी का निशान लगा लिया है, मोरी 7.5 इंच है, 7 इंच पर निशान लगावेंगे। पहला 1 इंच इसमें मैं और जो है मार्जिन में जाएगा सिलाई की उसके लिए रख लिया है। आसन जहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया था वहाँ से हम गुलाई देना शुरू करेंगे। गुलाई नहीं देनी हमें, सिर्फ ऐसे टेढ़ी लाइन लगानी है, क्योंकि गुलाई जब हम आसन को बिल्कुल गोल कर देते हैं तो यहाँ हमारा आसन है जो सलवार का ऊपर की तरफ खींचता है, इसलिए हमें बिल्कुल गोल नहीं करना, सिर्फ टेढ़ी काट पानी है। यहाँ पे हम मैंने सीधी लाइन लगा ली है। अगर आप इसे बिल्कुल खड़ा चाहते हैं, एक ही खड़ी सलवार रहे, तो आप यहाँ पे इस तरह की सेफ पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे सिलाई को सेफ दे सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे, तो हमारे निशान जो है पूरे हो चुके हैं। सिर्फ यहाँ से आधा 1 इंच बाहर की तरफ हम टेढ़ा निशान लगाएंगे। तो इस तरह इसके आसन का यही फार्मूला है। जो भी आपके सूट की हिप है
उसे नाप लें, उसे डबल होती है वो, उसे जैसे 25 है तो 25 का हो जाएगा 50, 50 का हाफ फोर कर लेना है आपने। तो 12.5 इंच आएगा ऐसे, इसमें 12.5 में आप 3 इंच ऐड कर अपने जो आसन है इसका लगा सकते हैं। इस तरह यदि 18 इंच 36, इसी तरह आप अपने इस तरह आसन हो गया। तो यहाँ पे मैं इसके सबसे पहले पोंछे रेडी करूँगी, आप चाहे तो आसन भी जड़ सकते हैं इसका। निशान है जो, तो पोंछे रेडी करने के लिए जो हमने बुकरम ली थी उसे ऐसे पहले प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। कपड़ा लेने की लोड़ नहीं है, इस तरह ऐसे तैयार किए गई मोरी बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी बनती है। रख सकते हो क्योंकि सीधी बननी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चंगी तरह फोल्ड कर दो, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे फोल्ड कर देंगे, सेम इसी तरह हमें दूसरी भी ऐसे ही कर लेनी है रेडी अच्छे से प्रेस की तरह। तो यहाँ मैंने ये बस सीधी लाइंस लगानी थी मूरी के ऊपर, तो मैंने लाइन लगा ली है और इसमें जॉइंट लेस है वो ऐड कर ली है। बस इसे ऐसे पकड़ लेना है, पोंचों को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है ऐसे ही सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे रखना है। हमें शॉर्ट कट पावा ऐसे रखते हुए जो है इसके दोनों आसन एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। अब हमें इसके आसनों पर जो है सिलाई लगा देनी है। एक आसन इस तरफ आ गया है, इसे ज्वाइंट कर देना आप इसमें, और एक आसन हमारा इस तरफ आ जाएगा और इसे ज्वाइंट कर देना है आपस में। दोनों पे सिलाई लगा देनी है ऐसे रखते हुए। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकते हैं इसको। पोंछे तैयार करके देखिए, पोंछे रेडी किए हैं उल्टे पासे, इन पे ऐसे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर। आप इसके आसन को आसानी के साथ जो है स्टिच कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले आसन भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आसन है वो स्टिच कर लिया, आपस में जो है ज्वाइंट कर लिए थे और बेल्ट भी रेडी कर ली है। 20 इंच बेल्ट रेडी की है और ऊपर की तरफ को बेल्ट मैंने 3 इंच रखी है क्योंकि हमारी इलास्टिक है वो 1 इंच की है और 1 इंच उसी फोल्डिंग में जाएगा और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। तो मैंने 3 इंच जो है इसका कपड़ा लिया है और 20 इंच है जो इसकी। हमें ऐसे जैसे हम सलवार में रखते हैं ऐसे हमें अपनी बेल्ट को अच्छे से रख लेना है। बस इससे सिंपल सलवार की तरह ही इसमें अटैच करना है। अब हम इसका जो है सबसे पहले इसका सेंटर पार्ट पे निशान लगा लें। तो मैंने सिलाई लगाई हुई है 10 इंच पे आ रही है इसका हाफ इंच। अद्ध कर लेना एक पासे दा, इस तरह मैं रखी है 20 इंच है। तो ये 10 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करने के बाद 5 इंच कर लूँगी। 10 इंच का हमें दोनों तरफ हाफ हाफ कर लेना है इसका। मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ 5-5 इंच पर, क्योंकि इस बेल्ट का हाफ था वो 10 इंच था और 10 इंच का हमें दोनों तरफ हाफ हाफ करना है। और जो हमें सलवार के पोंचे रेडी किए हैं ऐसे प्रेस करके इसकी क्रीज बना लेनी है और क्रीज बना कर फिर भी चाहो तो सन सान लगा सकते हो देते यहाँ पे। आ जेड़ा क्रीज वाला इथों से बाल चकना है, बड़ा अटैच करने हैं यानी कि बड़ा दबने हैं इसके चुन्नटें डालनी है इसमें से। मैं 5 इंच में जो क्रीज वाली चुन्नट है ऐसे 5 इंच में आनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पिन के साथ इसे अटैच भी कर सकते हैं। ऐसे रखते हुए तो मैं आपको डायरेक्ट मशीन पर डालकर दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ पे मैंने 5 इंच पे जो बेल्ट के अभी निशान लगाया था उसी निशान को लेते हुए मैंने यहाँ 5 इंच पे ये लगा डाल दी है चुन्नट और इसे उठाते हुए बाकी चुन्नटें डालनी हैं। ये हमें बड़े साइज की ही अटैच करनी है क्योंकि इसमें बल्ब वगैरह तो नहीं पड़ने हैं। बस हमें इसे
जो पोंचा तैयार किया है वो इधर उधर ना घूमे, इसीलिए हमें इसे सेंटर में रखते हुए चुन्नट अपनी डालनी है। बस आपको अपने बेल्ट का हाफ कर लेना है, हाफ का फिर हाफ कर लेना है, आगे की तरफ जो होता है हिस्सा उसका हाफ कर लेना। तो यहाँ पे 5 इंच पे आ चुका है, तो मैं यहाँ से जो सिलाई लगा दूँगी। 1 इंच में बेल्ट रेडी की सी, यानी कि टोटल 4 इंच हो गया, 4 इंच आ गया, 10 इंच आ गया, तो 10 इंच का अद्ध कर लिया सी 5 इंच। यहाँ भी 5 इंच पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। हम असन दब लेने ये बड़ा मशीन दो में पासे सेम इसी तरह करने हैं बस। जिस तरह मैंने सिलाई लगा दी है इसकी, और यहाँ से हमें जो चाहिए वो भी हमें 5 इंच 10 इंच में निशान लगा लेना है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी बेल्ट का हाफ है, यहाँ तक हमारी बेल्ट पीछे की तरफ से आएगी, और बाकी फैब्रिक जो रह चुका है कपड़ा उसे भी हमें 5 इंच में ही रेडी रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही बार दबेंगे तो ये 5 इंच में हो जाएगा। ध्यान नहीं देना है यानी कि ऐसे मोटे ही बार दबने हैं, तो ऐसे इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे रखते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं जड़े पै चुके हैं। तो यहाँ मैंने एक तरफ की अटैच कर दी और दूसरी तरफ भी हमें सेम ही ऐसे करना है। इस तरह से चक चक के दबने हैं, मैं थोड़ा स्पीड करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप स्पीड करके दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपने यहाँ तक देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने 1/2 इंच का सेम वैसे ही जैसे मैं पहले किया था ऐसे ही करके दोनों तरफ हमने इसमें चुन्नटें डालकर, बस अब इसके ऊपर हमें बेल्ट जड़नी है। बेल्ट जड़ने का तरीका एक बार देख लें। यहाँ पे मैंने सीधे साइड ली है सलवार की, और बेल्ट की भी सीधी साइड, और सलवार की भी सीधी साइड इसे ऐसे रखते हुए हम अटैच करेंगे। जो सिलाई है वो बाहर की तरफ रहेगी, यानी सीधी साइड रहेगी इसकी, क्योंकि सानू इस विच लास्टिक पानी है, चाहे तो तुसी दूसरे तरह ऐसे रखते हुए इनू स्टिच कर सकते हो। मैं इसे स्टिच करेंगे चढ़ देना उस तरह भी, पर मैं इस लास्टिक पानी है ना, इस करके इस तरह मैं बस सलवार का भी सीधा पासा रखना है। तो यहाँ मैंने ये अटैच कर ली है इसके ऊपर, सीधा पासा रखना है। तो अभी लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर देने हैं इसका कपड़ा, क्योंकि चुन्नटें डालने करके कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें लास्टिक डालनी है। तो यहाँ से हम हल्का हल्का जो है कट कर कर इसे जैसा कर लेंगे दोनों तरफ से चुन्नटों के ऊपर से, ताकि जब हम इसमें लास्टिक डालें तो कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमें इसे लेना है बेल्ट के कपड़े को, और जो हमने सीधी साइड ऐसे कवर कर देनी है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ रखते हुए हमें ऐसे सिलाई चला देनी है इस तरह। बहुत ही सफाई गल फिनिशिंग के साथ आप इस पर बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। बेल्ट वाला कपड़ा उल्टा दिता है तो उसनों जो जोड़ पाया सी बेल्ट से सलवार उसनों कवर कर दिता है। इस सलवार का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है इसे ऐसे थोड़ा सा खुला रखना है नेफे की तरह, जैसे सलवार का नेफा होता है वैसे, और इसे लास्टिक जो है डाल लेनी है। तो यहाँ बस ऐसे लास्टिक डालते हुए मैं वीडियो पसंद आई होगी, जो थानू पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल नू लाइक ते चे इसे रखते हुए इसे ताकि मैं अगों भी आप तो स्टिच कर देना है, और बाद में अंदर की तरफ रखकर जो हमने नेफे को बंद कर देना है। तो ये सलवार है, सलवार प्लस प्लाजो बनकर रेडी हो गया है।
इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।